चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सीएम पद के लिए बीजेपी ने भले ही किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन गोपाल भार्गव और उनका परिवार उन्हें सीएम की रेस में मान रहा है। पहले गोपाल भार्गव ने खुद को सीएम की रेस में बताया था, अब उनका बेटा अभिषेक भार्गव अपने पिता को इस सीएम के दावेदार के तौर पर पेश करने में लगे हैं। सुनिए अभिषेक भार्गव ने अपने पिता की दावेदारी को लेकर क्या कहा। तो ऐसा इतिहास रचो कि रैली विधानसभा में कांग्रेस के लोगों का नाम अमर हो जाए कि जब भैया को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो भैया कांग्रेस के लोगों ने निर्विरोध करा दिया भैया को। अगर वे ये बार निर्विरोध करा देते तो हम अगली बार कांग्रेस के विधायक को भी निर्विरोध करा देते। हमने तो कई सार्वजनिक मंच से भैया विधायक को चुनाव तो हर 5 साल में आउट है, अगली 5 साल बाद फिर आ जाए, तुम्हें विधायक ही बनने हम बना दे, लेकिन जो चुनाव फिर नया है, ऐसा अवसर फिर नया है। 40 साल लग गए अवसर को ले आवे में, 40 साल मेहनत करी है ये गांव के लोगों ने, 40 साल भैया गोपाल भार्गव को साथ दाव है, उनकी ताकत बने हैं रामक्रिया के लोग, तब जाकर कहीं गोपाल भार्गव मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो पा रहे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो पा रहे। इसीलिए मैंने इनसे कहा था कि ये चुनाव मुख्यमंत्री का चुनाव है, आप लोग भी सहयोग कर दो, निर्विरोध बना दो, अगली बार हम आपका सहयोग कर देंगे।